डॉक्टर्स और नर्स हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं होते, मगर एक दिन अगर उनके सर पर खून सवार हो जाए तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कत्ल की बौछार कर अमेरिका में सनसनी मचा दी थी। अमेरिका के एक जाने माने हॉस्पिटल में मेल नर्स के तौर पर काम कर रहे 37 साल के विलियम डेविस ने हार्ट सर्जरी से रिकवर हो रहे 4 पेशेंट्स को हवा का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार डाला था। इस केस पर काम कर रहे वकीलों ने कोर्ट में बताया कि डेविस जानबूझकर मरीजों की धमनियों में हवा का इंजेक्शन लगाता था। उसे लोगों को तड़प तड़प कर मरता देखने में काफी मजा आता था। आपको बता दें कि विलियम ने इन वारदातों को जून 2017 से जनवरी 2018 के बीच अंजाम दिया था। ये मामला काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, लेकिन हाल ही में विलियम को टेक्सास की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम यारब्रोज ने कोर्ट को बताया कि कैसे मस्तिष्क की धमनी प्रणाली में हवा का इंजेक्शन ब्रेन डैमेज और मौत का कारण बन सकता है, और इस इंजेक्शन से कितनी बेरहमी से मौत होती है उसकी कल्पना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको ये भी बता दें कि अदालत में मौजूद पत्रकारों ने बताया कि जिस वक्त विलियम को मौत की सजा सुनाई गई थी तब इसने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया और लोगों की जान लेने का किसी तरह का कोई अफसोस भी नहीं जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।